ज्योति, बेटा ज्योति, 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 अरे कहाँ गई? अरे अपने बाबा को परेशान मत करो। अरे यहाँ क्या कर रही है? मैं चित्र बना रही थी, दिखाऊं? हाँ हाँ। अरे वाह, काका बनाया है तुमने? मजदूर? बाबा, मजदूर क्या करते हैं? अरे वो सड़क बनाते हैं, पुल बनाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं। आप भी तो एक मजदूर ही हो ना बाबा, तो फिर हमारे पास घर क्यों नहीं है? हम क्यों इस हालत में इस पत्र के घर में रहते हैं? आप हम सबके लिए घर नहीं बना सकते? बाबा, ये लोग दुबले पतले कमजोर ही होते हैं, इनको ताकतवर नहीं बनाया जा सकता। इनको ताकतवर कौन बनाता है? भगवान ना? भगवान बनाते हैं, लेकिन वो अपनी मेहनत से मजबूत बनते हैं। अच्छा बाबा, उन लोगों का ख्याल कौन रखता है? बड़े लोग रखते हैं, सरकार रखती है, और भी लोग रखते हैं। सरकार? वही ना जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, लाल बत्ती वाली। देखे, और काका बनाया है तुमने? अरे वाह, ईखा बनाया है, औजार। वाह वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बनाया है। और देखो, आगे देखो। आहा, अरे अरे अरे, ये कहाँ पे मिला तुम्हें? ये तो मैंने आपके बक्से से निकाला था। बाबा, ये लोग कौन है? ये शंकर और मंजू। भैया, बहुत चीख रही है। अरे शंकर, घबराओ मत, ये सब में तो ये सब होते रहता है, तू अच्छा सोच। कुछ होगा तो नहीं ना? चुप चुप, काहे तू बुरा सोचता है रे? बुला ना एक बार, ऊपर वाले पे भरोसा रख, अच्छा सोच। आजा। और कितना दिन है? मुझे भी टाइम है। चलो चलो, ठेकेदार साहब नहीं आया। इलो, दो जन का है। दो जन का? हाँ, दो जन का। ये ले और जा, सामान ले आ। अरे चलो, अरे वो साहब आ गए। चलो सुप्रभात साहब। सुप्रभात। हाँ, अरे मैं क्या बोल रहा था, मम्मी को हॉस्पिटल में लेके जाओ। 11 बजे की अपॉइंटमेंट ली है मैंने, डॉक्टर से मेरी बात हुई है, पहुंच जाना समय पे, नहीं मैं ऑफिस में हूँ, बिजी हूँ, तुम्हें जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, ठीक है। नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार। चले। क्या रे मंजू,
अभी भी काम पे? हाँ सर, महीना भर और करेंगे। हाँ, नमस्ते सर। नमस्कार साहब। हर चेहरा नहीं बनता पेंसिल, रंग या ब्रश से। आम रह गए कुछ खास चेहरे पसीने की स्याही में ढलते हैं, मेहनत की कलम से उतरते हैं, रास्ता रोक कर जब खड़े हो जाते हैं मुसीबतों के पहाड़, इन चेहरों के हाथ पहाड़ को बोना कर देते हैं। सुख सुविधा से पर हमेशा कोसों दूर होते हैं, जिंदगी से दो हाथ करने हरदम मजबूर होते हैं, हर आंख में बसने वाले ये चेहरे मजदूर होते हैं। आजा, आराम से पैर रखना। अरे चल चल, उसको उतरने तो दे पहले। ठेकेदार साहब का पूछ रहे थे? बोल रहे थे कब तक काम करेगी। अच्छा, सुबह घर पर फोन की थी? नहीं, खाने के टाइम पर करूंगी। यहाँ बैठ। जूता पहन ले। मौसी, हाँ? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ 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 हाँ, हो हो। मैं जाता हूँ ऊपर, बाल्टी दे देना फटाफट भर के। चालें जा। अरे नाश्ता वास्ता किया कुछ? टाइम पे तो खाती है ना? अरे हाँ मौसी, खाती हूँ खाती हूँ। चल हाथ दे। द्वार साथ कभी न छूटे। अरे जानती है, हमारी बस्ती में आज लड़ाई हुई थी और पुलिस भी आई थी। अच्छा, अब सब ठीक है ना? अब शाम में जाऊंगी तो पता चलेगा। अरे हनुमंता भाई, कोई बढ़िया गाना बजाओ। ओए ले ओए। हाँ। खाली बाल्टी दे। बाल्टी आधा आधा भरो भैया, कौनो गड़बड़ नहीं। Thank you.
उझेल के आता हूँ। भेजो ए। चाय आ गया है, चाय टेम। ए, इसका इंतजार चले, चाय पी लो। चाय, चाय चाय आ गया। अरे भैया और तो कभी दो, इधर भी लाओ। दो दो दो। हाँ। अच्छा हाँ 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 नहीं नहीं हमारा अगले महीने आने का है, अगले महीने। हाँ 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 अपना ख्याल रखते हैं, अब हम काम पर भी नहीं जाते हैं ना। हाँ 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 ठीक है ठीक है। लड़का होगा कि लड़की? हाँ। लड़का होगा लड़का। तुम लोग क्यों बात करते हो? हमने घर पे बोल रखा है कि हम काम पे नहीं जाते, तुम्हारी आवाज सुन लेंगे तो। अरे बाबा रे, इकरा मतलब तेरा घर वाला इतना पागल है कि समझ नहीं पाएंगे। घर वालों को पागल बना कर रखो, उसी में हमारा फायदा है। वाह रे वाह मंजू, बहुत चालू है रे तू। हनुमंता अपना 6-8 महीना यहीं पर है। हनुमंता भैया, ओ हनुमंता भैया, क्या सुन रहे हैं हम? का दुनिया भर में कोनो महामारी फैल रही है? अरे ये महामारी वगैरह कुछ नहीं रे, ये सब ओकरा होत है जो बड़ा बड़ा गाड़ी में घूमत है, एसी में रहत है। हम जैसन लोगों को का होगा रे, और तुम का इतना चिंता करते हो? कितना गंदा बास मारता है, सेठ को बोलो ना साबुन लाने के लिए। वो का हम 3 महीने पहले बोले थे, समझा? अरे का बोल रहा है, इसको समझ में आ रहा है। नीव के ये वो हाथ होते हैं अपने हथेलियों पर जो अट्टालिकाओं को ढोते हैं, ये हैं तो सड़कें हैं, ये हैं तो इमारतें हैं, ये हैं तो रंग रोगन है, ये हैं तो खुदाई चिनाई कटाई है, सारी दुनिया का बोझ ढोते हैं ये चेहरे मजदूर होते हैं। ले आए। ओए आंधे, बाल्टी है खाली? खाली है ना? हाँ बस बस उतना ही भरो। हाँ हाँ बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो। अरे जल्दी दो जल्दी दो। अरे तो छोड़, मैं लेती। ठीक है ना भाई? हाँ गाड़ी भर गई का? हाँ। अरे जल्दी जल्दी चलो, भूख लगी है। तू आराम से चल। संभल के। हाँ हाँ
बेचारे पे केस हो गया है। बताया था ना। किसका नाम? शकु भाई। हाँ हाँ, शकुंतला मौसी। शकु मौसी ना। अरे दो साल हो गए, चार साल। अरे खाना खाओ। लेगी ले, मांगते कहा ना। अरे थे सुबह रास्ते से का पेट तो था वहाँ पर, गर्मी का बात बोले का ही था क्या? चिमनियों का धुआं बनाता है इनका चित्र, खदानों की चट्टानों पर इनके पंजे छपे होते हैं, ड्रेनेज में, सीवेज में पैर रोपे खड़े होते हैं, हर निर्माण में नींव के पत्थर से गड़े होते हैं, दिल की धड़कन से, हृदय के स्पंदन से दुनिया के लिए बेहद जरूरी होते हैं ये चेहरे मजदूर होते हैं। ये डिलीवरी का क्या सोचा है? गांव में करेंगे भैया। अरे सेठ से बात कर लो, यही सरकारी अस्पताल में हो जाएगा, कम पैसे में। गांव में फ्री में हो जाता है भैया, और अगर लड़की हुई तो पैसा भी मिलता है वो स्कीम का, और यहाँ चीर फार करते हैं, गांव में अपने आप हो जाता है। ज्यादा दिन नहीं लग जाएगा? अरे नहीं नहीं, वो का अब हम छोड़कर आएंगे, और जब बच्चा हो जाएगा तब वापस चले जाएंगे। जनरल डिब्बे से मत जाना, ये तुम ऐसा करना कि ये पहले टिकट बनवा लेना। बच गए। ठीक है ना? हरीश भाई, अरे कल तक माल भेजो ना। अरे कल नहीं तो परसों भेजो, दो ट्रक भेजो, बहुत दिक्कत हो रही है यार। नहीं पक्का भेजना परसों। हाँ ठीक है ठीक है। ये साहब को बोलना साबुन लाने को। साहब साबुन ला के दो ना, बहुत गंदी बास आती है। बुंडे। जी साहब। अरे इसको साबुन देना। हाँ देता हूँ ना साहब अभी। Yeah, so you raise ticket with the OM team and let's see how it goes. Yes. We need to get this done by tomorrow because we have a very important day with CTO tomorrow. Le. So you Pile. Need to be on it. Yeah, you don't need to worry about it. So you just focus on your model. Meetha hai nariyal.
हाँ ले तू भी पी ले। अरे नहीं नहीं, पेट से तुम हो के हम। अरे तो उसमें क्या हुआ, लो पी लो। नहीं नहीं तू पी ले। काका लेना है 1 किलो आटा, 1 किलो दाल और 1.25 सेर तेल, है ना? तू पी के आ जा, मैं चलता हूँ दुकान पर। आ चलो चलो। भैया ये अंगूर कैसे दिए? 80 रुपए किलो। तू 40, ठीक है आधा किलो दे दीजिए। अरे ये क्या कर रही है, ये रख। भैया हरा वाला देना, बच्चा काला पैदा हो जाएगा। कितना हुआ भैया? 40 रुपए। चल का देख रही है, तुमको का पता कि लड़का है या लड़की? धत ये ले ले। हाँ ले ले। का हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे बोलो बोलो। अरे ना छोड़ो छोड़ो। अरे शर्मा कह रहे हो, बोलो। मंजू निशानी के लिए। निशानी के लिए का? फोटो ले ले। फोटो? हाँ। हंसिए थोड़ा, नजदीक आइए। क्लोज क्लोज, हंसिए थोड़ा, हंसिए। हाँ हंसिए। हाँ इस बार हम क्या कहते हैं, घर ट्रेन से नहीं हवाई जहाज से ही जाएंगे। अरे आजकल हवाई जहाज और ट्रेन के टिकट में फर्क ही कितना रह गया। ठीक है हम बात करते हैं दलाल से। हाँ जल्दी कर लेना बात, वरना सुनते टिकट महंगी हो जाती है। अरे ऐसे भी महंगी ही मिलती है टिकट। अरे बाबा नहीं, जल्दी बनवा लो तो सस्ता में मिलेगा। लेकिन जाएंगे तो हम प्लेन से। हाँ अरे मंजू तुम लोग गए नहीं अभी तक? नहीं हम लोग फोटो खिंचा रहे थे। चलो ना मेरे घर में चाय वाय पी के जाओ। अरे नहीं फिर कभी आएंगे, अभी बहुत देर हो रहा है। कितना अच्छा दिख रहे, अपना ख्याल रखना। ठीक से चैतन्य, अब खाने का समय कहाँ, चाय पीते इसलिए मना कर दिया। हाँ लेकिन बहुत अच्छी है मौसी। हाँ काम के वक्त हमारा भी बड़ा ख्याल रखती है वो। हाँ अरे हम ही बोले थे उसे। अच्छा तुम बोले थे, कुछ अंजू हम का कह रहे थे कि तू अब काम छोड़ दे। तो तू भी दारू पीना छोड़ दे। अरे कहाँ पीते हैं अभी दारू, देख मंगल को तो ना ही पीते, बृहस्पति को तो छूते भी नहीं, और शनिचर के दिन भी नहीं पीते। बचे कितने, बस 4 दिन ही तो पीते हैं। शादी से पहले बड़ा कहते थे तंबाकू नहीं खाते, शराब नहीं पीते, अब तो रोज रोज का ही हो गया इनका। मनोज भैया का कह रही है कि ये बार घर जो है वो प्लेन से जाएंगे। वो आपका दोस्त है ना जो टिकट बनवाता है, उससे बात करवा दीजिए। सुना है कि टिकट पहले बनने से कम में बनता है, नहीं तो आप बात कर लेंगे का? अरे का हुआ मनोज भैया, अरे का हुआ, अरे का हो गया मनोज भैया? 3 आना कनिया 9 आना खोई छा। अरे अब तक हम नहीं बैठे उड़न खटोला में, और तुम? अरे शंकर मंजू को देखो, ई बखत पे पैसे बचाओ ना कि उड़ाओ,
एरोप्लेन पे बैठने चले। कौन? मनोज भाई। ए मनोज भाई, इधरो चली का ही केक। अरे नहीं नहीं, तुम लोग चालू रखो। अरे अच्छा तू ये बता, तू ये सब किया कल से? तू मुर्गा के पीछे भागा, का ऊपर झपटा, लेकिन वो साला निकल गया, लेकिन तू दिमाग से काम लिया, तू का पकड़ा काटा, बुका मजा आ गया रे आज तो। अरे बोका, तो हमका खाना खिलाई तो हम तो का दारू ना पिलाई का। प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड अ टोटल नेशनवाइड लॉकडाउन। अरे कछुना, फॉर 21 डेज द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट द मूव इज नेसेसिटेटेड बाय द फास्ट स्प्रेडिंग नेचर ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस। एंड ही सेड दैट शंकर भैया, ठेकेदार साहब आए, जल्दी आ जाइए। देखो, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, सरकार ने नया ऑर्डर निकाला है। ये जो नई बीमारी आई है कोरोना वायरस की, उससे जान को खतरा है। सरकार ने ऐसा ऑर्डर भी निकाला है और ऐसी स्थिति में पूरा देश बंद हो जा रहा है, इसलिए कल से हम भी अपना काम बंद कर रहे हैं। अरे तो दिहाड़ी मजदूर है साहब, ऐसे कैसे काम बंद? काम बंद मतलब अगली ऑर्डर आने तक काम बंद। जैसे ही हमें ऑर्डर आएगा हम काम शुरू करेंगे। 20 दिन की तो बात है, तब तक अपना ख्याल रखो। मैं कुछ पैसे देता हूँ, बाजार बंद हो रहा है, कुछ जीवनावश्यक वस्तु खरीद लो, दुकान बंद हो रहा है। मनोज। हाँ साहब। ये जो थोड़े पैसे है सबको बांट दे। जी साहब। इधर आओ सब। साहब, वो काम अभी अधूरा रह गया है, वो गड्ढा अभी तक साफ नहीं हुआ है। अगर वो काम पूरा नहीं किया तो मंजू, हालात बहुत खराब है, काम हो जाएगा। जो भी होगा, देश बंद है, अपना ख्याल रखो। एक काम कर, कुछ पैसे रखो, तेरे काम आएंगे। ठीक है? ठीक है साहब। साहब आपका रुमाल। उसका बहुत दर्द हो रहा है। अरे पागल, घबराता कहाँ है, इस सब में इतना टाइम लगता ही है। अरे हम ज्योति के जन्म की बखत ये सब झेले हैं, घबराता कहाँ है। अरे ये तो दुनिया का सबसे बड़ा पीड़ा होता है, हर माँ इसे झेलती है। और शंकर, इसी बखत का तो तू इंतजार कर रहा था ना? अरे 20 दिन रुकने को कहा है, जन्म भर के लिए नहीं। जो ये मुंह फुला कर बैठे हो, लगता है किसी की मैयत में आए हो। क्या हो गया है? क्या हो गया तुमको राम खिलावन? सब के सब ऐसे बैठे हैं जैसे सबसे बड़ी विपत्ति तुम ही पर आई है। अरे पूरे देश पर आई है ही। ये 20 दिन सबके लिए बंद है, लेकिन सबसे विकट स्थिति में हम ही होंगे। रेल बस सब बंद है, जिसको जो मिला उसमें निकल गए। हाँ निकल गए, कहे कि उनके पास ठौर नहीं था।
हमरे पास थोर है, हमरे पास जगह है। ठेकेदार साहब बोले 20 दिन बाद आएंगे, ये लॉकडाउन खुलेगा और काम फिर से शुरू होगा, तुम सब देखना। तो फिर करे का बताओ? अरे पढ़े लिखे को समझाया जा सकत है पर तुम जैसे गवार और मूर्ख लोग को नहीं। अरे ये छुट्टी है, सरकारी छुट्टी, सरकार की दी हुई छुट्टी। कभी मिली है तुमको हमको छुट्टी? नहीं ना, तो थोड़ा आराम करो। वो देखो गोपी भैया को चैन से बैठ के बांसुरी बजा रहे, सबसे सुखी तो वही है। क्या कहते हो जाए दो दो हाथ, कबड्डी खेलोगे? कबड्डी? हाँ हाँ कबड्डी। चले। अरे चलो। अरे आप भी खेलोगे? अरे मैं अपने गांव में बहुत खेलता। जीवन तुमको क्या हो गया बे? कहा बताया भैया, हमार मुर्गी नहीं मिल रही है। पहले 5 थी, फिर 4, फिर 3, अब 2 ही रह गई है। हमार तो एक एक करके मुर्गी ही गायब हो रही है। अरे भक बुड़बक होगी, इधर उधर मिल जाएगी शाम तक। आओ चलो कबड्डी खेले। हाँ हाँ जय बात। चलिए ए शंकर, वो देख सब लोग कबड्डी खेल रहा है, जा तू भी जाके खेल। रुक अभी जाते हैं। ए शंकर इधर आ, आ जा। डट के खेलना मनोज भैया। नहीं नहीं पहले इस्माइल को जाने देना। चले। और सुनो, राम खिलावन को पकड़ने का काम तुम्हारा। ठीक है भैया, कमर से पकड़। हाँ। तुम दोनों बीच में से जो आए जकड़ लेना वही। शंकरवा को पहले आउट करना है, समझे कि नहीं? समझे। हर एक दूजे को करने चले माटी में डामाडो। ए बोका तू जा। हर एक दूजे को करने चले माटी में डामाडोल। हर एक दूजे को करने चले माटी में डामाडोल। अरे चक्कर है इस लाइन का, अरे चक्कर है इस लाइन का, घुसते ही कबड्डी हो, घुसते ही कबड्डी हो। हर एक दूजे को करने चले माटी में डामाडो। मैं तो तू यहाँ आके दिखा। ए शंकर तू रुक, इस्माइल तू जा। ऐसे ही मसल देंगे। हर एक दूजे को करने चले माटी में डामा। अरे हेलो हेलो, हाँ प्रणाम चाचा। हमें ठीक है, तो ठीक छो ना की बताइयो, इन्ने बंद होले उन्ने हमारे फोने खराब हो गए। अच्छा अब्बुक तबियत कैसन छे? नहीं अभी केना अब घर पर सब ठीक छे ना? चचा सच सच बतबो, अब्बू के की होले? तनियो नहीं हिल पावे छे, की कहल के डॉक्टर? क्लिनिक बंद कै दल के कथी ले? केना हूँ शहर ले जाहुन, ठाकुर से ले लियो कुछ कर्जा, कहियो स्माइल आके चुकाए देते। तनी अम्मी को फोन दो। हे गम्मी हमें नहीं चाहिए। हाँ
हिम्मत ने रखबित के ना होते। मंगलवार को जब प्रधानमंत्री ने 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया तो मिडिल क्लास दिल्ली से लेकर मुंबई, कानपुर से लेकर पटना तक अपनी कार लेकर मार्केट की तरफ भागा। जबकि प्रधानमंत्री ने यह तो कभी नहीं कहा था कि दूध दवा जैसी आवश्यक चीजें कल सुबह से नहीं मिलेंगी, फिर भी लोग झोले भरकर खरीदने लगे। उन्होंने अपना घर एक हफ्ते से लेकर 2 महीने तक के लिए भर लिया है। बेशक ये लोग भी अपनी तरह से चिंतित हैं, लेकिन इन मजदूरों की सोचिए, 30 करोड़ के बराबर रोज कमाकर खाने वालों की आबादी है भारत में। इनके पास ना तो कार थी कि तुरंत किराने की दुकान पहुंचकर सामान भर लाते, और ना ही घर इतना बड़ा है कि स्टोर के रूप में अपने स्टोर रूम में सामान जमा कर लेते। इनका रोजगार चला गया है। लोग जिस तरह से सामान की जमाखोरी कर रहे हैं, अगर इसके असर में जरा सी भी कीमतें बढ़ गईं तो यह तबका 2 रोटी से 1 रोटी पर आ जाएगा। ये आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी जमाखोरी किसी की भूखमरी का कारण हो सकती है? वाह, का हुक्म गिराया है लाल पान की बेगम। काली की दो, अब काली का इक्का उतरू तो उसका छोड़, हमार काम का पत्ता उतरो। अरे भैया मंजू, ये कपड़े खींच दिए हैं, पसार दे। अरे अब रामायण शुरू हो गया है, अब हम रामायण देखने जाएंगे, ये सब बाद में करेंगे। हाँ अच्छा, शुरू हो गया है तो चल हम आते हैं। सोसाइटी वालों का फोन था कि अब काम पर ना ही आना है। रमा ठीक ही कहती है,
जब तक काम था तब तक हम भी ठीक थे। अब जब से काम बंद हुआ है ना तो हमारा चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है। ये देख पैर कैसा फूला हुआ है, चार कदम भी नहीं चला जाता है। अरे दीदी बखत में मालिश की जरूरत होती है, मैं कर दिया करूंगी आके। अरे मैं तो भूल ही गई, शंकर ने सुबह कपड़े खींच रखे थे, मुझे पसार नए कपड़े। अरे बाप रे देर हो गई। चलो मैं भी चलती हूँ, मुझे खाना पकाना है। तू इतना देर से खाना काहे पकाती है रे? अरे बाकी काम करते करते देर हो जाती है। दीदी हम रात को आ जाएंगे मालिश करने। हाँ हाँ आ जाना, ख्याल रखना। हाँ हाँ ऐसा आ गया है दीदी। का हुआ? हम का कहे, पता नहीं का होगा। कुछ नहीं होगा, और उधर भी सब कुछ ठीक ही होगा गोपी भैया। लेकिन दीदी डर लगा रहता है, ये बीमारी ऐसी फैल रही है कि कुछ समझ में नहीं आता। हमार 4 साल की मुनिया है, अगले महीने उनका जन्मदिन है। हमको फोन पे बतियाती है कि बाबा हमारे लिए स्लेट ले आना, हमारे लिए फराक ले आना। हम सब खरीद के रखे दीदी, लेकिन घर जाने का कुछ ठौर नहीं है। इस तरह सुना निकालो गोपी भैया, ये बखत ही ऐसा है, किसी को कुछ नहीं होगा। हमारी माई कहती है अच्छा सोचो तो अच्छा होगा, ये बखत बुरा है, उस पर भरोसा रखो। उसी का तो भरोसा है। बता तो और का करते, बोल देते। अरे बोका, अरे हम तुमको मारे नहीं बचाए है। अरे तू समझता का ही नहीं रे। अरे बोका, अगर हम उस वक्त वहां ना आते तो वो जीवन तुमको मार मार कर बैंगन का भरता बना देता। अरे हम तुमको मारेंगे का? अरे हम मारेंगे तुमका। अरे भाई है तू हमार, देख अगर तुझे लगता है कि हम तुझे मारे हैं तो तू मार 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 मार। ओका रो मत, रो मत तू, बस बस। अरे बोका आज हम तुमको खिलाएंगे। हाँ हम तुमको खिलाएंगे। हाँ हम तुमको खिलाएंगे, चल चल आजा। अब की बार उबारो कि नैया है मझधार। हे हरी ओ हरी, जीरा ही था।
मजदूरों का पलायन अभी नहीं रुका है। अभी भी मीडिया में खबरें आ ही रही हैं कि 7 दिन 9 दिन साइकिल या ठेला चलाकर मजदूर असम पहुंच रहे हैं या तेलंगाना पहुंच रहे हैं। आज दिल्ली में ऐसे 7 मजदूरों को पुलिस ने जाने से रोका जो साइकिल लेकर मोतिहारी के लिए निकले थे, उन्हें अनाज वगैरह दे दिया गया है। अरे, दूसरी तरफ अरे तो रोते का है? राजस्थान से आई बीमारी उमारी कुछ नहीं होगा उसको, कोरोना ना ही होगा उसको है? तो बात करा उससे। हे बेटा, हाँ देखो देखो रोना नहीं है, बाबा सब खरीद लिए हैं, फ्रॉक है, स्लेट है। हाँ बेटा, बाबा जल्दी आ रहे हैं। अरे नाही माई, तुम जानत नहीं हो का इस सर्दी तो हमको सालों भर रहता है। अरे नाही माई, वो सब हमको कहाँ, ये बीमारी तो हमको छुओ भी ना सकत है। हाँ बस तो अपन ख्याल रखी है। हाँ प्रणाम। हेलो, हाँ प्रणाम, मंजू बोल रहे हैं। बौका भी प्रणाम कह रहा है। हाँ जब आएंगे तब बौका को साथ लेकर ही आएंगे। पूछ रहा है उसकी माई कैसी है। ठीक है ठीक है। और उसकी छुटकी बहन, वो भी ठीक है। और कुछ पूछना है? हाँ नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ फैसला नहीं किए है, जैसे ही फैसला करेंगे आपको बता देंगे। हाँ नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं फैल रहा है, सब ठीक है बस्ती में। हाँ ठीक है रखते हैं, प्रणाम। अरे बाबूजी, घबराने की कोनो बात नहीं, ये बीमारी उमारी सिर्फ हवा है। हाँ अच्छा, तनिक ज्योति की माँ को फोन दीजिएगा। हाँ नैया चली गई, कहाँ है भला? अच्छा रुकिए, हम फोन करते हैं। हाँ हम भी अभी देख ही रहे हैं कि निकले यहाँ से। अरे लेकिन पक्का नहीं ना हुआ है कछु भी, दिल्ली से तो नजदीक है ना गांव। अरे देखो, अभी हम देश के कोने में घुसल हैं, यहाँ से अभी भी निकले तो पहुँचते पहुँचते महीनों लग जाएंगे। हाँ बुझे का नहीं पहुँचे ज्योति के मामू? अरे 12 दिन हो गए बात नहीं, तो कौन घबराने की बात नहीं है। हाँ कहीं अटका दिया होगा। अरे फोन कहाँ से लगेगा, रास्ते में कहाँ से चार्ज करेगा बताओ। अरे तुम घबरा काहे रही हो, ऐसा करो लल्लू के यहाँ जाके देखो, उनके बड़े भाई पहुँचेगा, तब तक हम यहाँ से फोन मिलाते हैं। और सुनो, शाम तक घर पहुँच जाना, माँ बापू के साथ कोई नहीं है, ठीक है? हाँ हाँ, हल्दी चावल गुड़ का लड्डू खाती है वो, मंजू ठीक है, आप लोग ठीक है ना? हाँ हाँ, ना ही उतना ना ही है, और हमार बस्ती में तो कुछ नहीं हुआ है। हाँ हम लोग सोच ही रहे हैं कि उधरे आ जाए। का 15 दिन? अरे ऐसे ही रख देगा क्या गांव के बाहर, हमारे घर में हम ही को घुसने नहीं देगा? का बोल रही है? हाँ ठीक है चल। का हो गया, का हो गया? ए बाबू बोल ना रे, काहे रोवत है, तोरा हम मर किरिया, बोल ना रे का। अरे भगवान, लीला का हुआ, रो का ही रही है। अरे लीला का, लीला, अरे अरे मंजू देखना इसको, ये रो का ही रही है। अरे भगवान, हम अपने मैया के मरल मुंह नहीं देख पाए, मैया गुजर गई। सो गए का? कहा सोच रही है लीला के बारे में? बेचारी आखिरी बार अपने माई को देख भी ना पाई। शंकर, हम कहीं गलत बखत में तो ये बच्चा नहीं नला रहे?
पता नहीं ये बीमारी किस किस को अपने लपेटे मिलेगी। कहा कहे कुछ समझ नहीं आता। जब गांव से यहां शहर आए थे तो सोचा था शहर में घर बनाएंगे, अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारेंगे, जानती है मंजू, मजदूर का सबसे बड़ा दर्द कहा होता है? कहा वो ईंट पर ईंट डालता है पर उसका नहीं पता कि इमारत कैसा बनेगा। वो सीमेंट तो मिलाता है, वो का आकार लेगा वो का नहीं पता। उसके पास हाथ होते हैं आंख नहीं जो सपना देखे। हम बस दूसरों के सपनों को पूरा करने आते हैं। मंजू हमने गलत किया जो अपना जमीन छोड़ कर आए। ऐसा काहे सोचते हो? अगर हम नहीं होंगे तो ये शहर कौन बसाएगा? ये शहर का सपना पूरा कौन करेगा? नहीं, हम औरंग की तरह इस तरह मतलब ही नहीं हो सकते है। मंजू तू रो रही है का? तू भी तो रो रहा है ना? रो मत मंजू, बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने देश में जारी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा कर दी। 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा के बाद खाने पीने के सामान की खरीदारी को लेकर दुकानों के आगे लंबी कतारें और पैदल अपने घरों को निकल पड़े मजदूरों को देखा गया था। दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे के आगे प्रवासी मजदूरों की भीड़ ने देश क्या दुनिया को हिला कर रख दिया। बैठे हो गया ना खेला दिया है कि मालगाड़ियों को छोड़कर सभी तरह की बहुत बोल रहे थे। 3 मई पूछो इनसे पूछो कहां कहां जा रहे हो? ये हो जाएगा वो हो जाएगा घंटा हो गया। अरे वहां से जो लोग निकले थे अपने अपने गांव पहुंच गए घर, और हम लोग तो यहां से निकले भी नहीं। वो इनके चक्कर में बड़े बनने चले हैं, चौधरी बनेंगे। अरे अब तो जो था वो खत्म हो गया है, न खाने का न रहने का ठिकाना है। ठीक कह रहे हैं यादव भैया, अरे ई जाति तो कम से कम अपने मरे माई का मुंह तो देखती। तुम लोगों की मति मारी गई थी जो इनकी बात सुने थे। अरे मनोज भैया को काहे इतना बोल रहे हैं सब? हम सब के भलाई के लिए ही सोच रहे थे ना, का कोई सोचे बिना ही का? और तुम लोग पहुंच सकते हो है? अरे जो लोग पहुंचे हैं वो लोग बहुत नजदीक थे और हम बहुत दूर हैं। कछु समझते हो? बस लगे सब लोग एक आदमी पर बोलने। अरे ठीक कहता है शंकर, हमार दो छोटा छोटा बच्चा है, हम इतना दूर कैसे जाते? अरे हम तो चल लेते, ई बच्चा लोग चल पाता का? नहीं ना, तो जो हुआ सो ठीक हुआ। एक बात बताओ, इनके वजह से बीमारी फैली है का? इनके वजह से लॉकडाउन लगा है का? इनके वजह से देश बंद हुआ है का? ना ही ना, तो काहे नहीं समझत हो? अरे अपना समझ के बोल रहे थे और आप लोग टूट पड़े दुश्मनों की तरह। अरे ना ही मनोज भैया, ये सब लोग ना। हाँ जाओ जाओ, हम कौनो मनोज या ठेकेदार के भरोसे नहीं है, हम अपने भरोसे यहाँ आए हैं। कुछ नहीं, हम करते हैं फोन ठेकेदार साहब को। घुमाओ घुमाओ घंटी,
वही सबके भगवान बने हैं ना, उन्हीं के भरोसे यहाँ आए हैं ना हम। इनके इनके भरोसे रुकना था, अब फोनों नहीं उठा रहे। देखो सच कहते हो, हम गलती किए ठेकेदार साहब पर भरोसा करके। अरे मनोज भैया, ठेकेदार साहब के बारे में ऐसा काहे सोचते हो? वो बहुत भले आदमी है। और आप ठेकेदार साहब के बारे में ऐसा बुरा काहे बोलते रहते हैं? तो कहाँ उठाया फोन बताओ। ये देखो आ गया फोन। हेलो, राम राम साहब। अरे राम राम मनोज, बोलो। हाँ साहब, आप बोले थे 20 दिन बाद काम पर आ जाना, आ जाए सवेरे साइट पर। अरे तुम जानते हो ना अभी दुनिया की हालत कितनी खराब हो रही है। ये महामारी जोरदार फैल रही है, सबको इकट्ठा होना भी मुश्किल है। जैसे ही सरकार का आदेश आएगा मैं आपको काम पे बुलाऊंगा। और बात सुन, सबको कह देना कि अभी काम बंद है। जैसे ही शुरू हो जाएगा मैं सबको बुला लूंगा, ठीक है ना? हाँ हाँ साहब। उठ गया फोन, मिल गई शांति। बहुत उछल रहे थे, ठेकेदार तुम्हारा ठेका लेंगे। अरे 10 दिन में न सही, कम से कम 50 दिन में पहुंचते, अपने जमीन पे जाके मरते, अपने गांव में मरते, या तो कुत्तों नहीं पूछेगा। अरे अब जो हुआ सो हुआ, अगर तब निकलते और रास्ते में किसी को कुछ हो हवा जाता तब क्या करते? मैं तो कहता हूँ ये सब छोड़ो, अब आगे का करना है ये सोचो। इतनी रात को आप लोग? 11 बज रहे हैं। बाबू भैया बस्ती चलना होगा। क्यों? जाना है सबको। अभी तक बस्ती को छोड़कर आया हूँ मैं बॉर्डर पर, 7 दिन के बाद घर पे लौटा हूँ। एक काम करो आप लोग सवेरे आना। नहीं नहीं, अभी चलना होगा, सभी लोग रुके हैं, परेशान हैं, दुविधा में है। ठीक ही सोचा है भैया आप लोगों ने, वक्त रहते निकल जाओ, बीमारी का क्या भरोसा। सरकार फिर से लॉकडाउन लगा दे, क्या पता फिर क्या हो। कहते तुम ठीक रहे हो भैया, पर रेटवा तनिक ज्यादा लगा रहे हो। आप वही बस्ती वालों से बात करके देख लो। क्यों? क्या सोच रहे हो तुम लोग? देखो जाने में बड़ा रिस्क है, सीधे रास्ते तो जा नहीं सकते, गांव खेड़े होकर कच्चे रास्ते से गाड़ी निकालनी पड़ेगी। और तेल का रेट तो तुम जानते हो, 250 रुपया लीटर है। 250? क्या बोला? 250 बहुत हो गया। इतना क्या बात कर रहा है? अरे कुछ भी नहीं, नहीं ऐसे नहीं। अरे वो ब्लैक का बात कर रहा है। अरे भैया मिल रहा है वही नसीब समझो, ब्लैक में लाना पड़ता है, ब्लैक में। तेल का इंतजाम हम कर देंगे, क्यों बोका? हर सवारी का 2000 रुपया लगेगा। 2000 रुपये ऊपर से पेट्रोल अलग से? अरे इतना रुपया होता तो हम लोग जाते ही का है। और का? कहीं नहीं जा रहे, हमारे 2 छोटा छोटा बच्चा है और इनको 2000 रुपया चाहिए हर आदमी पे। लूट रहा है। और एक बस्ती का मनोज भैया 7 दिन से। हाँ सर लौटे हैं। और आप इन बस्ती वालों के दबाव में मत आइए। अरे ऐसे ही लोग होते हैं जो लाश का कफन बेच के पैसा कमा लेते हैं। 2000 रुपये और ऊपर से तेल का अलग, अरे ये हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। तो क्या करोगे? जान पे मोल भाव करोगे का? अरे आप समझ काहे नहीं रहे हैं? अरे 2000 रुपए ये बॉर्डर तक पहुंचाने का मांग रहा है, घर तक नहीं। और तुम्हें कौन समझाए? अरे अरे शंकर तनिक हमारी बात सुनो तो सही। शंकर शंकर हाथ छोड़। तुम हमारा हाथ काहे पकड़ लिए? काहे पकड़ लिया हमारा हाथ? हम जो भी करते हमका देखते रहता है। अरे नहीं नहीं, हमारे मन में जिज्ञासा उठी थी कि एक गाय भैंस तुमरा है का? अरे इतने सारों को अकेले खिलाती हो? इतने दिन से देख रहे हैं तुमको, तुम्हारी ताकत तो मर्दों से भी ज्यादा है। तो तू कहां में मर्द बोल रहा है? अरे नहीं नहीं, ये बता तुम्हारे माँ बापू कहाँ हैं? तुझे उससे कहा? हम तुम्हारा नाम नहीं जानते हैं इसीलिए पूछ रहे हैं, पर सच बोलते हैं, हम तुमसे बहुत लव करने लगे हैं। ए लड़की, ओए लड़की।
तुम अपना नाम हमें बता ही दो। देख, बोलने में अच्छा नहीं लगता, हम तुम्हें ए लड़की ऐ औरत बोलना पसंद नहीं करते। हम तुम्हारा साथ में बहुत सपना भी देख चुके हैं। ये उठा लिया, समझ के हम तो काट दिया। ओ नीचे रख, नीचे रख, नीचे। एक बार और कोशिश करेगा, हम तुमको शहर घुमाएंगे। का? तू हमका शहर घुमाएगा? हाँ हाँ। वो देख रही है हमारी साइकिल, चलेगी हमारी साइकिल पे घूमने? थक, ऐसे गैर आदमी के साथ साइकिल पर घूमेंगे हम? और तू काम का करता है हमें का पता? अभी तो कुछ नहीं करते हैं, सोचते हैं कि शहर में जाके काम करेंगे। तू चलेगी हमारा साथ में? ऐसे कैसे आ जाएंगे तुम्हारे साथ में? अरे मतलब अगर हम और तुम, समझ रही हो ना, यानी तुम और हम। हम तो जानते भी ना ही तुम्हारा नाम का है। शंकर, शंकर कुमार नाम है हमरा। हम का कह रहे थे कि तुम और हम अगर, समझ रही हो ना? का कहना चाहते हो? अरे मतलब वही, यानी कि कहना है तो साफ साफ कहो वरना ना ही बोलो। एक तो भगवान के सामने हो फिर भी साफ साफ नहीं बोलते, अगर हम मर्द होते तो कब का साफ साफ बोले होते। अरे नहीं, हम बोल रहे थे कि अगर हम ब्याह कर ले तो। ना ना, तेरे मन में है तो नहीं, तो तेरे मर्जी के बगैर हम कुछ नहीं करेंगे। देख, हमका माफ कर दे। हम अपने माँ बापू की सुनेंगे। हाँ अरे बापू लाएंगे भी तो किसे लाएंगे, वही जो भैंस दूहता या चराता होगा, वही खुट्टे में बांध देंगे तुम्हें भी। हमारा सपना बड़ा है, हम शहर जाएंगे, पहले बस में फिर ट्रेन से शहर लेके जाएंगे तुमको। ए भैया, ओ भैया, ओ भैया सुनो, हमें भी ले चलो। हम बिठा सकते हैं तुम्हें हवाई जहाज में। का सच कह रहे हो? कसम से। देखो अगर झूठी कसम खाओगे तो जवानी में ही मरोगे। अरे पहली बार कसम खा रहे हैं हम, और सच्ची कसम खाते हैं, कसम से। तू बस हमसे ब्याह कर ले। अच्छा बता, तुझ में ऐसा का है कि हम तुझसे ब्याह कर ले? देख, मेरा सपना बड़ा है, मैं सोचता हूँ कि शहर में जाके बस जाऊं, मेरे बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, और देख मुझे कोई बुरी आदत भी नहीं है, मैं ना खैनी खाता हूँ, ना बीड़ी पीता हूँ, ना शराब पीता हूँ। इससे बढ़िया मर्द तुझे कहाँ मिलेगा बता? और मेरा नाम तो देख, शंकर, शंकर भगवान के नाम पे रखा है। तू जीन्स पहना कर, अच्छा लगेगा तू। सच्ची? मंजो ये क्या पहन लिया है? काला चश्मा, अंधा लग रहा है तू तो। अब बता, तू तो सच में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। नेहरा के सुख, देख मंजू, हमें भागना भी पड़ सकता है अगर घर वाले नहीं माने तो। तू कहे तो अभी भाग जाए। अरे देश पिया के डोलिया चली, बॉर्डर तक जाने का 2000 रुपए और ऊपर से पेट्रोल अलग। अरे बौरा गए हैं सब। ये हालत में हम पैदल नहीं जाएंगे, तुमको जो करना है करो। तो कहो तुमको घर तक छोड़ रहा है? अरे बॉर्डर तक छोड़ रहा है। अरे बॉर्डर तक छोड़ रहा है यानी आधे दूर छोड़ रहा है ना, आधे दूर तक छोड़ रहा है यानी आधी परेशानी खत्म, वहाँ से कौन और सवारी मिल जाएगी। तो क्या आधे दूर जाने का हम उतना पैसा दे दे? काम बंद हुए 20 दिन ना ही हुआ, आधा पैसा खर्चा कर चुके हैं हम, और काम कब शुरू होगा ये किसी को ना ही पता, समझे का? पैसा उझेल दो बस। सुन,
ये पैसा रखे थे हम हमरे लिए, तुमरे लिए और हमार होने वाले बच्चे के लिए। ये पैसा हम ऐसे ही दे देगा, हाँ ऐसे ही दे देगा पैसा? नहीं देंगे हम पैसा, कह दे रहे बस तुमको, जाओ जो करना है कर लो। पैसा नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे, ये मुसीबत नहीं बखत में जब घर जाना जरूरी है तो कहेंगे पैसा नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे, हम भी घर जा कर रहेंगे बस। पैसा नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे, एक ही रट लगा कर रखे बस। अपनी जिम्मेदारी को जैसे झटक ही दिया है। हमारे पास है पैसा, हमारे पास है ताकत, हम तो जा कर रहेंगे। हाँ ठीक है ना? हम सोचते हैं अब बच्चा भी आ जाएगा तो अपना एक घर होना चाहिए ना। अरे इतने जल्दी कहाँ, अभी और 5-6 बच्चे होने दो। का 5-6 बच्चे चाहिए तुम्हें? का तुमने क्रिकेट टीम बनाने का ठान लिया है? अगर तुम कहती हो तो बना देंगे। अपना ड्रीम यही है मंजू, घर से पहले रोड रोलर। रोड रोलर को ठेके पे दे देंगे और खूब सारे पैसे कमाएंगे। तूने तो प्लान भी बना लिया। एक बार रोड रोलर आने दे मंजू, फिर देख घर बनेगा, सब बनेगा। हमारे सारे सपने पूरे होंगे। अरे अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में डालेंगे हम। हाँ है मंजू, क्यों है इतनी रात, पगला गई का? चल मंजू, सब ठीक हो जाएगा, चल। हमका माफ करा। कौन कसूर भैल हमसे मैया, भैल हमसे मैया, बीरवा गैल मुरझाए हो। कौन कसूर नहीं है।
हुआ भैया? गया उतरो नीचे। लॉकडाउन वॉकडाउन है कुछ पता है कि नहीं? कह रहे ड्राइवर, परमिशन कहाँ से लिया तुम लोगों ने? अरे बाप रे, यहाँ तो पूरा गांव का गांव बसा हुआ है। साहब कहाँ करे बताइए ना साहब, हमारे पास ना काम है ना रहने के लिए ठिकाना है। साहब कहाँ करे, कहाँ जाए बताइए। तुम्हारे पास मेरा बाप बहुत बुरी तरह से बीमार है। काम साहब यहाँ रहेंगे तो खाएंगे कहाँ? चलो उधर लीजिए, भागो यहाँ से। निर्वाला है एक एक बोल कर मार ले ले। चलो उधर लीजिए, भागो यहाँ से। नहीं चला जाएगा शंकर, अबरी सांस फूल रहे, दर्द भी हो रहा है। तू बैठ, बैठ यहाँ। उसमें दर्द हाँ, की दवाई है। हाँ, हाँ, दे दे। देते हैं। तू बैठ। आएगे। ये ले। खाली पेट खाएगी का? रुक, पहले कुछ खा ले। इले। ये कब बनाया? जब तो सुबह सोए थे तभी। कितना प्यार करते हो नाम से। बच्चे की बहुत याद आ रही है। हम लौट कर तो वापस आएंगे ना? अरे क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। और अब की अपने बच्चे के साथ लौटेंगे। उड़े के मंजू हवाई जहाज में बैठिए। देखा नहीं वो बड़ा दीना से पंखा बाजरी जाए नारा सैया पंखा बाजरी जाए नारा मिले। मंजो अब तनिक तो आराम कर ले। हाँ पोटरी पे अपना सर रख ले। हाँ हम इतनी दूर कैसे जाएंगे, हमसे तो अब चला भी नहीं जाता। अरे तो फिकर काहे करती है, हम हनुमान बन जाएंगे। ओ दूर दराज सब जन बानी
शक्कर शक्कर रुक जा, दर्द हो रहा है, वो वाला दर्द हो रहा है, किसी को बुला ले, किसी को बुला ले। तू भाग बन गया रे। मंजू क्या हुआ, क्या हुआ? धीरज रख। उड़ के सपनवा देखानी हो रहा, पंखवा जरी जाए नारा, पंखवा जरी जाए नारा। जाए नारा। बाबा आप कभी एरोप्लेन में बैठे हो? जाए नारा। कोई बात नहीं बाबा, जब मैं बड़ी होकर एक ताकतवर मजदूर बन जाऊंगी ना, तब आपको एरोप्लेन में ले जाऊंगी। नहीं बेटा, मजदूर मत बनना। क्यों बाबा? क्योंकि मजदूर कभी ताकतवर नहीं बन सकता, वो मजबूर होता है। शून्य से खड़ी करते हैं जिंदगी,
शून्य ही रह जाते हैं। ये बहुत कुछ होते हैं, ये सब कुछ होते हैं, पर कोई इन जैसा थोड़ा भी नहीं होना चाहता। इसलिए कहता हूं ये आम रह गए कुछ खास चेहरे हैं जो पसीने की स्याही में डलते हैं, मेहनत की कलम से उतरते हैं, सुख सुविधा से पर हमेशा कोसों दूर होते हैं, जिंदगी से दो हाथ करने हर दम मजबूर होते हैं, हर आंख में बसने वाले ये चेहरे मजदूर होते हैं। जैसे ढीवरी तले अन्हार हो, चहु ओर अंजोर देवे अपार हो, जैसे ढीवरी तले अन्हार हो, चहु ओर अंजोर देवे अपार हो, शादी विवाह घर जोड़े खातिर, शादी विवाह घर जोड़े खातिर ढूंढे मजदूर कहाँ रहो, ढूंढे मजदूर कहाँ रहो, जैसे धीवरी तले अन्हार हो, चहूं ओर अंजोर देवे अपार हो, धीवरी तले अन्हार हो, चहूं ओर अंजोर देवे अपार हो, धीवरी तले अन्हार हो, चहूं ओर अंजोर